कभी सिद्धार्थ मल्होत्रा के प्यार में पागल थी आलिया भट्ट। अब एक्ट्रेस ने अपने एक्स बॉयफ्रेंड सिद्धार्थ मल्होत्रा की शादी पर दिया रिएक्शन। रोमांटिक तस्वीर शेयर कर आलिया ने दी सिड कियारा को बधाई। कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा हमेशा के लिए एक दूसरे के हमसफर बन चुके हैं। दोनों ने शाही अंदाज में जैसलमेर के सूर्यगढ़ पैलेस में धूमधाम से शादी की है। वहीं शादी के काफी देर बाद कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा ने अपने अपने इंस्टाग्राम हैंडल से अपनी शादी की तस्वीरें शेयर की, जिसको फैंस ने काफी पसंद किया। फैंस के अलावा बॉलीवुड स्टार्स ने भी कपल की शादी को लेकर रिएक्शन दिया। इसी बीच इन दोनों को बधाई देते हुए आलिया भट्ट ने भी अपने एक्स बॉयफ्रेंड सिद्धार्थ मल्होत्रा की शादी को अपना रिएक्शन दिया है। आलिया का रिएक्शन इस वक्त खूब सुर्खियां बटोर रहा है। आलिया भट्ट ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा की एक रोमांटिक तस्वीर शेयर कर उन्हें शादी की बधाई दी है। इस तस्वीर को शेयर करते हुए आलिया भट्ट ने लिखा, आप दोनों को बधाई हो। आलिया भट्ट के इस रिएक्शन को लेकर सोशल मीडिया पर काफी चर्चा हो रही है। जानकारी के लिए बता दें कि एक समय पर आलिया भट्ट और सिद्धार्थ मल्होत्रा के अफेयर की काफी चर्चा थी। जी हां, कभी आलिया भट्ट सिद्धार्थ मल्होत्रा के प्यार में पागल हुआ करती थी। दोनों की मुलाकात साल 2012 में करण जौहर की फिल्म स्टैंड ऑफ द ईयर के दौरान हुई थी। कहा जाता है कि इसी फिल्म के दौरान आलिया और सिद्धार्थ के बीच अच्छी दोस्ती हो गई और फिल्म रिलीज होने के बाद दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी थी। इस दौरान दोनों को एक दूसरे के लिए प्यार का एहसास हुआ और दोनों रिलेशनशिप में आ गए। यहाँ तक कि एक इंटरव्यू में आलिया भट्ट ने सिद्धार्थ के साथ अपने प्यार का खुल्लम खुल्ला इजहार भी किया था। सिड और आलिया के रिलेशनशिप में कुछ साल तक सब ठीक चला, लेकिन फिर अचानक से दोनों ने अलग होने का फैसला करके हर किसी को हैरान कर दिया। हालांकि दोनों ब्रेकअप के बाद भी अच्छे दोस्त थे। वहीं जहां एक तरफ सिद्धार्थ से ब्रेकअप के बाद आलिया की जिंदगी में रणबीर कपूर आ गए, तो वहीं सिद्धार्थ की लाइफ में कियारा आडवाणी की एंट्री हो गई। आलिया और रणबीर ने करीब 5 साल की डेटिंग के बाद शादी के बंधन में बंधने का फैसला किया और 14 अप्रैल 2022 को शादी के बंधन में बंधकर हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे के हो गए। तो वहीं बीते दिन 7 फरवरी को सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी भी 7 फेरों के बंधन में बंधकर हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे के हो गए हैं। कपल ने जैसलमेर का सूर्यगढ़ पैलेस में पंजाबी रीति रिवाज के साथ शादी की है। खबरों के मुताबिक कपल की शादी की थीम व्हाइट पिंक थी। अपनी शादी के मौके पर सिद्धार्थ जहां गोल्डन एम्ब्रॉयडरी वाली ऑफ व्हाइट शेरवानी में नजर आए, तो वहीं कियारा ने पिंक लहंगा पहना था। दुल्हा दुल्हन के परिवार वालों ने भी व्हाइट पिंक कलर के पारंपरिक थीम के कपड़े पहने थे। वहीं शादी में आए सभी मेहमानों का राजस्थानी संस्कृति के तरीके से स्वागत किया गया। मेहमानों के स्वागत के लिए राजस्थानी वेशभूषा व राजस्थानी लोकगीतों के साथ फूलों की बारिश कर मेहमान नवाजी की गई। इस शादी के लिए होटल सूर्यगढ़ पैलेस को अंदर से दुल्हन की तरह सजाया गया। सिद्धार्थ कियारा की शादी में बड़े बड़े नामी सितारों से लेकर बिजनेस जगत की हस्तियों ने शिरकत की। करण जौहर, शाहिद कपूर, मीरा कपूर, जूही चावला और उनके पति के अलावा ईशा अंबानी भी अपने पति आनंद के साथ सिद्धार्थ कियारा की शादी में पहुंची थी। ब्यूरो रिपोर्ट E24।